जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर अपने आसपास से ऐसे कार को गुजरते देखा होगा जिस पे डिप्टी कमिश्नर लिखा होता है। कई लोगों को जानना भी होता है कि आखिर ये डिप्टी कमिश्नर कौन होते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसी की जानकारी देती हूँ। डिप्टी कमिश्नर कोई और नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में जो जिला को संभालने वाले हैं या जिला के मुखिया एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वो हैं एक कलेक्टर, और उन्हीं को डीसी या डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कलेक्टर को कलेक्टर के अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, पश्चिम बंगाल में कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कलेक्टर कहते हैं, तो इसी टाइप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, मतलब कि एक डिप्टी कमिश्नर के अंडर में पूरा एक जिला होता है, और एक जिला को संभालने के लिए एक कलेक्टर के पास कौन कौन सी पावर होती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज गवर्नमेंट्स के ओर से दी जाती हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी।